મંદિરની સ્થાપના પુષ્ય નક્ષત્રમાં અને ભૂમિનું કોઈ પણ કાર્ય અનુરાધા નક્ષત્રમાં કરવું સૌથી હિતાવહ છે અને એ ભૂમિ હંમેશાને માટે ફળદાયી નીવડે છે એમ જ્યોતિષાચાર્ય મુકેશ પ્રજાપતિનું કથન। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल मेहसाणा कोकस वाले का सादर प्रणाम। जय श्री राम। आज हमारे कई क्लाइंट और कई दर्शकों ने हमसे एक नम्र रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी आजकल का जो माहौल चल रहा है वो माहौल है मकान लेने का, दुकान लेने का, फ्लैट लेने का, जमीन लेने की, इसके ऊपर आप प्रोग्राम कीजिए। आप वास्तुशास्त्र के प्रखर विद्वान हो, इसके लिए आप ये प्रोग्राम आपसे ही सुनना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। वास्तुशास्त्र क्या है? दुकान, मकान, फ्लैट और गेट कौन सी दिशा में होना चाहिए? घर में पानी की जगह कौन सी दिशा की होनी चाहिए? पूजा का स्थान कौन सी दिशा में रखना पड़ता है और वहां भगवान की प्रतिमा कौन सी दिशा में कैसे रखनी चाहिए? घर में और जिंदगी में सुख शांति का प्रभाव के अलावा गुरु और मृत व्यक्तियों की छवि कहाँ रखनी पड़ती है? खाने पीने का समय अपना मुख कौन सी दिशा में रखना चाहिए? घर की भूमिका अगर दोष होवे तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उपाय दिखाइए, या तो उसे निकाल डालना चाहिए। इन सारी बातों की हम जानकारी हमारे क्लाइंटों और दर्शकों की वजह से हम यह प्रोग्राम करेंगे। गुजरात में वास्तुशास्त्र का प्रोग्राम सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया था और आज हमारे आर्टिकलों ने धूम मचाई थी। 3 साल तक पूरे देश विदेश में हमारे आर्टिकलों के मैगजीन ने एक रिकॉर्ड तोड़ डाला था। उस मैगजीन का नाम था किस्मत मैगजीन और किस्मत मैगजीन के अंदर हमने जो आर्टिकल लिया था 3 साल तक सारे के सारी कॉपियां खत्म हो गई थी, मगर हमको तो मालूम नहीं पड़ा था क्योंकि हमारे तंत्री ने हमारा फोन नंबर उसमें इस्तेमाल नहीं किया था। अब घर में मंदिर की स्थापना कौन से नक्षत्र में करनी पड़ती है? देखिए दो बातें, एक तो घर में मंदिर की स्थापना पुष्य नक्षत्र में ही करना पड़ता है और भूमि के संबंधी कोई भी कार्य हो उसे अनुराधा नक्षत्र में ही करना पड़ता है। यह सारी जानकारी हमने हमारे प्रोग्राम में की थी और सोते वक्त अपने सीने पर हाथ रखकर कभी भी मत सोना, इंसान डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। पूजा उपासना में मंदिर के अंदर कभी भी मृत व्यक्ति की छवि या तो अपने गुरुओं की छवि कभी भी मत रखना, यह हमारी चैलेंज है। और कई एस्ट्रोलॉजर और कई कर्मकांडी क्या करवाते हैं, क्या हमको ऐसा एक दोष है, भूमि का दोष है, पितृ दोष है, तो उसका वो जो उपाय दिखाते हैं वो भी गलत दिखाते हैं। उन लोगों को खुद को मालूम नहीं तो दूसरों को सिफारिश कैसे कर सकते हैं? पूजा उपासना में मंदिर के अंदर और आप लोग मंदिर ऐसा लावे कि जमीन से 1 फुट ऊपर मंदिर होना चाहिए। चारों खूने के स्टैंड, चारे खोने के स्टैंड चौरस में ही बनवाना पड़ता है। मंदिर के दरवाजे 100% होना चाहिए। सुबह में सबसे प्रथम प्रहर की शुरुआत सुबह 3:30 बजे से शुरू होती है। स्नान विधि उसी समय करने से
पूजा आराधना की जाती है। और दूसरा भी तबक्का है, सूर्योदय से एक घंटे के अंदर भी स्नान विधि करने के बाद आप पूजा पाठ कर सकते हो, मगर सूर्योदय से पहले नींद का त्याग करना पड़ता है। पूजा में मंदिर में जब हनुमान जी की स्थापना आप जब पूजा में बैठे तो आपका हाथ दाबी साइड पर होवे, उसी जगह पर हनुमान जी की प्रतिमा का स्थापन करना पड़ता है और राइट साइड पर गणेश जी की मूर्ति का स्थापन करना पड़ता है। मृत व्यक्ति और गुरु की छवि मंदिर में नहीं रखना, यह सब दक्षिण दिशा में ही उनको टिंगवा सकते हैं, लगा सकते हैं, और उन छवियों का मुंह उत्तर दिशा में जावे उस तरह रखना पड़ता है। सुबह उठते ही सबसे पहले भूमि को वंदन करके अपने दोनों हाथ देखकर, क्योंकि अपने दो हाथों के अंदर 12 राशियों का स्थान है, अपने हाथ में ही लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और ब्रह्मा जी का स्थान है, तो सबसे पहले भूमि का वंदन करने के अपनी आंखों के समक्ष दो हाथ के सामने रखकर, अपने सामने रखकर दो हाथों के अंदर मंत्रोच्चार करना पड़ता है। आज हम देश की जनता को उस मंत्र के बारे में भी जानकारी देंगे, सुनिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल सीतो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम, यही मंत्र।